इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स एक के बाद एक बड़ा धमाका कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, यूजर नेम है RJ_IG। हाँ जी, तो आपको बता दूं कि ITA अवार्ड्स में इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स ने क्या धमाका किया है। दरअसल बात यह है कि ITA अवार्ड्स को इस बार 20 साल पूरे हो रहे हैं, यानी कि पूरी इंडियन टेलीविजन फ्रेटर्निटी यहां पर मौजूद रहेगी और इसको एक माइलस्टोन की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि 20 साल ITA अवार्ड्स को हो जाएंगे और पूरा टेलीविजन इंडस्ट्री एक साथ एकजुट होगा और सेलिब्रेट कर रहा होगा इस मौके को। और आपको बता दूं कि ITA अवार्ड्स के स्टेज पर आग लगा देंगे इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। किस किस ने दी है? दानिश ने दी है, पवनदीप ने दी है, आशीष ने दी है और शानमुखा प्रिया ने दी है। किस तरीके के परफॉर्मेंस है ये मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ एक बात पक्की है कि जब इनके परफॉर्मेंस होंगे तो तालियों की गड़गड़ाहट स्क्रीन पर जो आपको धमाका देखने को मिलेगा, वो वाकई आपको दोबारा ऐसा मौका शायद ही कभी देखने को मिले। तो आपको बता दूं कि अगर आप इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स के फैन हैं तो ये मौका आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कुछ धमाका कर रहा होगा और ये आपसे मिस होना बनता नहीं है बॉस। तो देखिएगा जरूर और बताइएगा कि आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस। चार लोग परफॉर्म करने वाले हैं, पवनदीप, आशीष, दानिश और शानमुखा प्रिया। वैसे भी इनके इतने सारे फैंस हो चुके हैं, बॉलीवुड में इतने सारे फैंस हो चुके हैं, जितने भी सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं वो इनमें से किसी एक के दीवाने होके जाते हैं। तो जब ये ITA अवार्ड्स में परफॉर्म करेंगे तो न जाने और टेलीविजन इंडस्ट्री से अपने कितने फैन बना के ले जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।